उत्तर प्रदेश के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के शमशाबाद रोड स्थित रेलवे पुल के पास डंपर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि दुर्घटना में घायल दो लोगों को गंभीर हालत में फतेहाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चलें कि पप्पू अपनी भतीजी कल्पना को बीएड का पेपर दिलवाने फतेहाबाद के राजकीय महाविद्यालय ले जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। और आपको बता दें कि मृत व्यक्ति के गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया था। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाने में सफल रही। मेरा नाम तो माता है। कौन है? ये सोनू है, ये मेरे चाचा जी लगते हैं। दोनों बगल बगल में ही दुकान रखते हैं। तो मेरे लिए चाचा जी थे यहाँ बी एड का पेपर देने के लिए, लाली को हम आए दिलवाने के लिए। तो अब हम दुकान पर बैठे हुए थे पास में, तो उनका तुरंत यहाँ किसी का फोन गया और तुरंत वहाँ से हम बाइक लेके भाग गए यहाँ के लिए। और लाली और ताऊ जी हैं भी, और मैं एडमिट पत्ती है और ये खत्म हो गया। इनका क्या नाम है? इनका नाम पप्पू है। कहाँ जा रहे थे? अब वो 37-40 के ये जो भी यही बैठे हैं। कहाँ से? कहाँ? 37-38। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? सब नहीं, पेपर देने आए थे बीएड का, फतेहाबाद राजकीय महाविद्यालय। वो तो यहाँ से धीरे होकर इधर निकलने के लिए तैयार है। हाँ, घटना में क्या घटना हुई? ये एक्सीडेंट हुआ है, माँ वो बाप बिटिया और भाई, उसका भाई खत्म हो गया और मैं भतीजी और वो चाचा वो हॉस्पिटल गंभीर हालत में पहुंचा दिए गए। फतेहाबाद आगरा से नरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।